आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की अध्याचनों को ऑनलाइन फॉर्मेट पे वापस भेजे जाने को लेकर के। हालांकि ये प्रक्रिया 21 तारीख तक पूरी होनी है, लेकिन सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ डिपार्टमेंट के अध्याचन ऑनलाइन फॉर्मेट पे वापस भेज दिए गए हैं और कुछ डिपार्टमेंट के जो आपके एलटी ग्रेड जीएससी वगैरह के हैं अध्याचन, खंड शिक्षा अधिकारी के हैं, ये अध्याचन भी सोमवार मंगलवार तक ऑनलाइन फॉर्मेट पे वापस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिए जाएंगे। कल हम लोगों की माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के, आप पर्सनल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं या ओएसडी भी बोल सकते हैं, बात हम लोगों की हुई थी और हम लोगों ने काफी सारी चीजों को उनसे डिस्कस किया और काफी जानकारियां भी प्राप्त हुई, क्योंकि कल रात्रि में लगभग 7:45 पे उनसे हम लोगों की वार्ता हुई है और काफी सारी चीजों पर बातचीत होने के बाद कुछ मसले भी सुलझाए गए हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं, कब तक ये क्लियर होगा। तो आज उन तमाम चीजों की जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी, इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए। ठीक है, कल हम सभी लोग इस बात को लेकर के परेशान थे कि आखिर एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में ऐसी कौन सी पनौती है ना, कि जो ये विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। आखिर समस्याएं कहां से जो है वो दो चार कर रही है अपना उठापटक। तो वो सारे मामले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी ऑनलाइन अध्याचन भेजने की जो समय सीमा तय की गई थी वो 22 जून तय की गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट इस समय कुछ ज्यादा ही तीव्र गति से काम कर रहा है, इसकी वजह से ये अध्याचन आप सभी लोगों को 18 जून के पहले पहले ही भेज दिए जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात हो गई कि 18 जून तक ये पहुंच जाएगा तो काफी सारे कार्य जो है वो निपट जाएंगे, है ना। दूसरा ये कि शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के क्या सीन चल रहा है, तो शैक्षिक अर्हताओं के विषय में जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, जो कमेटी बनाई गई थी, जो रिपोर्ट फाइनल हुई थी, उस रिपोर्ट पे माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और मुख्यमंत्री महोदय 21 तारीख को ही मीटिंग करेंगे और इसको फाइनल कर देंगे। मतलब स्पष्ट है कि शैक्षिक अर्हता का विवाद आप सभी लोगों का वो 21 जून के पहले पहले फाइनल हो जाएगा, मतलब 21 जून तक फाइनल हो जाएगा। इसपे जैसे ही वो मामला आपका फाइनल होता है, क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने जो टीजीटी पीजीटी का नियमावली बनाई है और आपके राजकीय की नियमावली जो तैयार हुई है, ठीक है ना, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को लेकर के जो फाइनल चीजें माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को शासन को प्रेषित की गई है उस पर डिस्कस होना तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे छात्रों का हित और अनहित दोनों जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, और इसमें तदर्थ शिक्षकों को भी लाना है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के तो भाई काम तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये काम तेजी से होने के बाद तत्काल ही आप सभी लोगों को परमानेंट अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव भी देखने के लिए मिलेंगे। वो पत्र जारी होने के साथ साथ इनकी नियुक्ति का शासनादेश भी जारी होगा, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय इन तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अधिकारियों ने लगातार इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप शीघ्र इस मामले का निस्तारण करिए, मंजूरी दिलाइए ताकि विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को जो है वो चालू किया जा सके। वजह यह है कि बहुत से ऐसे राजकीय विद्यालय हैं जहां पे ताले पड़ चुके हैं, वहां पे एक भी अध्यापक नहीं है और अध्यापक ना होने की सूरत में जो वहां पे विद्यार्थी जिनका नामांकन हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थी क्या करेंगे, स्कूल छोड़ के भाग जाएंगे, है ना, बिना अध्यापक के कैसे पढ़ेंगे वो। तो ये विस्तृत रिपोर्ट जो है वो शासन को प्रेषित की गई है, इसलिए अब एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन में ज्यादा देरी नहीं होगी। नियमावली अपडेट होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी करे, ये दिशा और दशा तय करने की जिम्मेदारी हम लोगों की तो है ही, आप लोगों के भी है, क्योंकि आप सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है इससे। आप लोग जितने सार्थकता तौर पे जितना हम लोगों का सहयोग करेंगे
उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों तक डिलीवर हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की, वो यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली से शासन भी खुश नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी 2018 की वैकेंसियां अभी तक जो है वो पेंडिंग में चल रही है ना, और ये रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो रहा है। और इसकी एक मतलब बढ़िया सा ज्ञापन लिख करके हम लोगों ने कल ही मुख्यमंत्री महोदय को सेंड किया था, और यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर उंगली उठाई गई थी कि ये जानबूझ करके भर्तियों को डिले करते हैं, विज्ञापनों में गड़बड़ी करते हैं, है ना, नियमावलियों में जानबूझ के गड़बड़ी करते हैं, ताकि भर्तियां जाकर के अगर कोर्ट में कोई छोटी सी याचिका भी दायर हो गई तो इनकी सारी भर्ती प्रक्रिया वो निरस्त हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर जब तक वो प्रक्रिया चलेगी तब तक इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, कोई चीजें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के शासन अत्यंत गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कर रहा है, और आने वाले समय में आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी का अस्तित्व भी समाप्त होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी समूह गा और घा की वैकेंसी को जारी करने के लिए जिस तरीके का क्राइटेरिया बनाया गया है, यूपी ट्रिपल एससी तो बनाया गया था कि समूह गा और घा टनाटन बने रहे आराम से, विद्यार्थियों को समस्या ना हो, जो भी वैकेंसियां हो वो भर दी जाए। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी तो एकदम पलीता लगा करके बैठा है ना, तो इनके रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहे। अब इनको अल्टीमेट किया गया है कि आप 25 जून के पहले पहले अपने जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको जो है फाइनल करिए। तो इस पे काम शुरू हो चुका है। अब आप लोगों को भाई जब तक ये परीक्षा फाइनल नहीं करेंगे, जब तक ये ग्राम पंचायत सॉरी आपका वीपीओ का जो परीक्षा होनी है उसकी डेट नहीं देंगे, तब तक ये पीईटी का विज्ञापन भी जारी नहीं कर सकते। पीईटी को लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू ही हो चुकी है ना, वाद विवाद का दौर शुरू ही हो चुका है। बहुत से विद्यार्थियों ने मांग उठाई दी है, हम सभी लोग लगातार मांग उठा ही रहे हैं कि इसकी या तो वैधता बढ़ा दो या तो इस परीक्षा को ही समाप्त कर दो, कोई मतलब नहीं इसका। लेकिन अगर आपने प्री और मेंस का टारगेट रखा है तो कम से कम इसका क्राइटेरिया तो निर्धारित करो, वैलिडिटी बढ़ा दो, क्योंकि ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है ना। तो जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है तो उसकी वैलिडिटी होती है ना, अगर नेट कोई व्यक्ति क्वालिफाई करता है तो उसकी भी वैधता होती है ना, तो हर चीज की वैलिडिटी है। तो पीईटीआई का कोई खास बन के आता है का, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसमें भी विचार चल रहा है, विद्यार्थियों को बहुत जल्दी इसका तोहफा मिलने चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए चिंतित मत होइए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो उसमें भी कार्य आप लोगों को मैं बता दूं कि जून के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को परीक्षा तिथियां देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि शिक्षा संवचन आयोग के जो कार्यवाहक सचिव महोदय हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हमारी प्रायोरिटी में कि हम टीजीटी पीजीटी 2022 को हर हाल में हर कीमत में कब तक कंप्लीट कर दें, मतलब 30 अक्टूबर के पहले पहले हम इसको फाइनल कर देना चाहते हैं, 30 अक्टूबर के पहले पहले इसको फाइनल करना चाहते हैं। अगर इसको 30 अक्टूबर के पहले फाइनल करना है तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा भी समय से करानी होगी, तभी उसका रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अध्यासनों को लेने का दौर जारी है, अभी वेबसाइट की भी लॉन्चिंग होनी है, काफी सारे वर्क जो है वो बाकी हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब कोई भी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह रखे जाने थे तो ये सारी चीजों की कंप्लीटिंग सारी चीजें जो है कंप्लीट की जाएंगी, ठीक है, स्टेनोग्राफर वगैरह रखे जाएंगे। तो इन सारी प्रक्रियाओं से शिक्षा संवचन आयोग इस समय गुजर रहा है, और धड़ल्ले से अब आप सभी लोगों को विद इन वन वीक धड़ल्ले से अधिकारियों की नियुक्तियां और लगातार आप लोगों को शिक्षा संवचन आयोग में कार्य होता हुआ दिखेगा। चलो ये तो बात हो गई आपकी शिक्षा संवचन आयोग की, लेकिन आप सभी लोगों मैं बता दूं कि जो एलडी ग्रेड और जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी का विवाद है, ये विवाद सिर्फ अहर्ताओं को लेकर के नहीं है। चलो ठीक है भैया विवाद कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हमको हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट चाहिए, कोई कहता है कि अगर हम इंटरमीडिएट में जो है हिंदी से नहीं है संस्कृत नहीं है हमारी, अगर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है तो हमें भी वैलिड किया जाए, है ना। लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद आम तौर पे बना हुआ है, टीजीटी में कुछ और है एलटी में कुछ और है, और कला में जो अर्हताएं तय की गई हैं उसमें टीजीटी वाले विद्यार्थियों को समस्या है, और टीजीटी वाले विद्यार्थियों में तो ज्यादा कुछ उसमें उठापटक नहीं होगी, लेकिन तदर्थ शिक्षकों को बहुत ज्यादा समस्याओं में समस्या है ना।
तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही जो ये बातचीत चल रही है, जो रोज बैठकों का दौर जारी है, आखिर इसको फाइनल कैसे किया जाए, तदर्थ शिक्षकों को बाहर कैसे निकाला जाए, तो ये सारी प्रक्रिया आप लोगों की वो 21 तारीख तक चलेंगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद जैसे ही शैक्षिक अर्हता का पत्र जारी हो, जैसे ही आप सभी लोगों की नियमावली पब्लिक डोमेन की जाए, वैसे ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए। किसका? एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का, ठीक है। और लोक सेवा आयोग का यह स्पष्टता करना है कि हमारे पास लगभग 5 से 6 आरक्षित तिथियां हैं, हम उसी किसी एक तिथि पर आप लोगों की एलटी ग्रेड और जीएससी हम समायोजित कर देंगे। हमें शासन से क्लियरेंस मिल जाए, विज्ञापन जारी करने के बाद उन्हीं तय समय तिथियों पर ही हम आपको जो है वो एग्जाम करा करके दे देंगे, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है, आप सभी लोग थोड़ा सा सहयोग करें ना तो उत्साह डबल हो जाता है गर्मी के मौसम में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी इस समय फुल फॉर्म में है और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, दुनियादारी जो भी 3-5 होगा, वो सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप लोगों की परीक्षा तिथियां भी जून के अंतिम सप्ताह तक देखने के लिए मिल जाएंगी। इस बार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई छीछा लेदर हो जाए, रायता फैल जाए, है ना। और पेपर आउट होना वास्तव में बहुत शर्मनाक घटना होती है किसी भी परीक्षा नियामक संस्था के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए। तो अब ऐसी परिस्थितियां ना हो, इसके लिए वो बचाव करके अपना चल रहे हैं और एहतियातन कदम उठा रहे हैं। और आप लोगों को जून के अंतिम सप्ताह तक यूपी कांस्टेबल की परीक्षा तिथियां भी देखने के लिए मिल जाएंगी। ये परीक्षा तिथि आप सभी लोगों की जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त का प्रथम सप्ताह देखने के लिए आपको मिलेगा। 15 अगस्त के पहले पहले सब कुछ फाइनल हो जाना है। तो आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के पढ़िए। 97 41 83 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन क्या आएगा या नहीं आएगा। देखिए, जो नियमावली बन रही है, जो बेसिक शिक्षा विभाग में चर्चा है, उस चर्चा के अंतर्गत बीएड डिग्री, भाई बीएड वाले विद्यार्थियों ने बहुत दंड किया इस बार लोकसभा चुनाव में, और यही रीजन रहा, ये चीजें हम लोग आलाकमान को समझा पाने में सफल हो गए कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के पहले ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का मामला नहीं था, ठीक है ना। ठीक है, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म जो चल रहा था वो सही है, लेकिन इसमें बीएड डिग्री धारकों ने भी अच्छा खासा जो है वो भूमिका निभाई थी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, नंबर ऑफ पोस्ट मिल गया था, वो प्राथमिक में सम्मिलित हो गए थे और लगभग 5 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उनको ये मौका मिला था। 2012 से ही वो बेचारे बाहर थे, तो 6 वर्ष बीत गए थे, 6 वर्ष बाद कोई उनकी सुधि लेने के लिए आया और उनको सम्मिलित किया। इसलिए अपने दम पे बीजेपी जो है 303 सीटें जीत पाने में सफल रही और लगभग सभी राज्यों ने उनको जो है पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, है ना। लेकिन 2024 में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामला पलटा और केंद्र सरकार वहां पैरवी करने नहीं गई। एनसीटी के जो लायर गए थे वो लायर कम डिफेंडर ज्यादा लग रहे थे, है ना, मतलब उन्होंने सही से अपना पक्ष ही नहीं रखा था। लेकिन अब क्या परिस्थितियां हैं कि अब बीए डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक में भर्ती में सम्मिलित करने की मुहिम फिर से चल चुकी है और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, फिर से अब मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल किया जाए और आप लोग एलिजिबल होंगे उत्तर प्रदेश में। तो खासतौर पर अखिल भारतीय स्तर पर हम लोग भी अब थोड़ा सा कैंपेनिंग चला रहे हैं, आप सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षाएं हैं। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए ताकि हम लोग अगर इस चिलचिलाती गर्मी में आप लोगों के लिए धरना प्रदर्शन करें या रैली निकालें तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को भी डिजिटल तरीके से सपोर्ट करना होगा। हीट वेव का खतरा हर किसी को होता है, हम लोग स्टील के नहीं बने हुए हैं, हम लोग भी इंसान हैं, गर्मियां हमको भी लगती हैं, लू हमको भी लगती है, धूप हमें भी लगती है, लेकिन आप सभी लोगों का हित जहां पे छुपा होता है ना वो हम लोग करने से पीछे नहीं हटते। एक लोग हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्या आप जो है मतलब नेता वेता बनने के मूड में है क्या, और आप पार्टी से जुड़ करके क्या मतलब ऐसा तो नहीं कोई टिकट विकट लेने का प्लान? तो अभी तो फिलहाल ऐसी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है,
लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ करके भविष्य किसने देखा है? हो सकता है कि आगामी भविष्य में हम भी कहीं से आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। क्या दिक्कत है भाई, लोकतंत्र है। यहाँ पे तो एक रिक्शे वाला भी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है अगर उसको कोई पार्टी सिंबल नहीं दे रही, तो ये अलग बात है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए। हम सभी लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कार्य किए जाए। अभी कल भी हम लोग लोक सेवा आयोग ही थे, तो एक भाई ने हमारे पास कॉल किया, वो बड़े अजीज हैं हमारे, और उनके हर मैसेज का, हर कॉल्स का मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया और सॉरी कॉल किया और सारी चीजें मतलब पूछ रहे थे, टीम गाजीपुर हेड है ना, तो हमने सारी चीजें उनसे डिस्कस की और थोड़ी सी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं हम लोगों की, और हम लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज भी उसमें दिखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए, आपका भाई है तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने आप सभी लोगों को मुक्ति दिलाई 50% के बाउंडेशन से, जैसे आपने को लोगों को मुक्ति मिली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, जैसे आप लोगों को मुक्ति मिली एजुकेशन और सोशियोलॉजी से, इस कॉम्बिनेशन से, तो आप सभी लोगों को काफी सारी चीजें का रिलैक्स वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने जो है उपलब्ध कराया है। और हम लोगों का यही एकमात्र उद्देश्य होता है छात्र हित, ओनली 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 छात्र हित। आप लोगों के काम करने में बड़ा आनंद आता है। आप लोग सहयोग नहीं करते हो ना, एक झुंझलाहट होती है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों की उम्मीदों को देखते हुए वो झुंझलाहट मन से निकल जाती है। तो आप लोग भी सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए, जोड़िए लोगों को, ताकि हम लोगों की जो बीएड इन पीआरटी की मुहिम है वो एक बार फिर से परवान चढ़ सके। दूसरा ये कि प्राथमिक की जो नियमावली बन रही है उसमें बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित करना है कि नहीं करना है, इसमें भी विशेष शिक्षा विभाग में चर्चा है कि शासन स्तर से अभी तक कोई भी जो है ये चीजें नहीं की गई है कि नहीं, डीएलएड और बीटीसी वालों को ही रखना है, बीएड वालों को बाहर रखिए, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बात कर चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत जल्दी ही प्राथमिक फिर से एक बार आप लोग देखने के लिए मिल जाओगे बीएड डिग्री धारक। इसके लिए परेशान मत होइए, हम लोग मुहिम चला चुके हैं, आप लोग सहयोग करेंगे तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। ठीक है, और एलडीग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए आप लोगों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कल परसों में ही अपडेटेड अध्याचन वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिए जाएंगे। हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से कंसर्न करके बातचीत करके उनको ज्ञापन आदि दे करके जल्द से जल्द आप लोगों की शैक्षिक अर्हता का पत्र जारी कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी करवाएंगे। निश्चिंत रहें, सहयोग करें, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम आप तक लोगों तक डिलीवर कर सके। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।